नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर वॉचिंग, दोज हु आर कनेक्टिंग। आई विश कि 2023 आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। आपने जो रेजोल्यूशंस अपनी लाइफ में सेट किए हैं, आप उसे पूरा कर पाएँ। तो चलिए, अब हम बात करेंगे आप सबके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा और क्या उपाय खास आप लोग कर सकते हैं इस हफ्ते को और बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले बात करें मेष राशि। आप लोगों के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा है, क्योंकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ज़रूर मिलेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से आप लोग संबंधों को काफ़ी हद तक थोड़ा बेहतर करते हुए नज़र आते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस हफ्ते में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और ख़ास तौर पर बच्चों की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने आसपास के लोगों की तरफ से, सहकर्मी आपका साथ ज़रूर देंगे और ख़ासतौर पे मदर फादर के साथ रिश्ता बेहतर हो सकता है। उपाय आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि नया साल है और ख़ासतौर पे अभी जस्ट नए साल का पहला हफ्ता ही है और हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की, तो इसीलिए इस हफ्ते में आपको करना ये है कि जो सर्दी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो विंटर सीजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसका दान या तो आप कंबल का दान कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए, खाने की सामग्री का दान कीजिए, किसी नीडी पर्सन को आप कर दीजिए। ऐसा आपको पूरे हफ्ते में किसी भी दिन आप कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा सैटरडे के दिन ज़रूर कीजिएगा। तो वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप लोग अवॉइड कीजिएगा। इसी के साथ अगर मैं खास उपाय की बात करूं, तो इस पूरे हफ्ते में माँ लक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए अच्छा है। माँ लक्ष्मी के सामने गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाइए, लाल रंग के वस्त्र उन्हें ज़रूर अर्पित कीजिए और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आपकी आर्थिक समस्याएं बहुत जल्द खत्म होंगी। बात करेंगे मिथुन राशि। जेमिनाइज की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए ये पूरा हफ्ता कामकाज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों की बातों में आएंगे या उनकी केपेबिलिटीज को देख करके खुद के लिए डिसीजंस लेंगे, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने खुद के डिसीजंस अपने आप से लीजिएगा। इस हफ्ते में फादर के साथ जो कहा सुनी चल रही थी वो खत्म होगी। इस हफ्ते में सिबलिंग्स के साथ रिश्ते बहुत बेहतर हो सकते हैं। कहीं से अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है तो उसके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए नौकरी और व्यापार में तरक्की का योग है। इस अवधि में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके लिए करना सक्सेसफुल रहेगा। इसी के साथ साथ घर परिवार में मेलजोल बढ़ रहा है, घर में कोई मांगलिक कार्य या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के लिए प्यार और कंपैटिबिलिटी बढ़ेगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के लेकिन चिंताएं बढ़ सकती हैं, खास तौर पर घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी। साथ ही में मानसिक चिंताओं के कारण आपके लिए इस हफ्ते का मिड ऑफ द वीक जो रहेगा वो कहीं ना कहीं पे परेशानी का कारण ज़रूर बनेगा। तो आपको करना ये है कि नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते की जो पूर्णिमा तिथि आएगी, चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिएगा और ख़ास तौर पे भगवान शिव के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि। आप लोगों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा है, लेकिन व्यापार में कोई बहुत बड़ा रिस्क वाला काम नहीं कीजिएगा। हालांकि हफ्ते की शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ होगी और आप कई सारे कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे। इसके साथ ट्रैवलिंग प्लान्स बन सकते हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग बिताएंगे। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हफ्ते के एंडिंग में, क्योंकि वीकेंड पर बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड खाने की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उपाय क्या करना है, सिंह राशि वाले लोग सूर्य को जल जरूर दीजिएगा और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए हरी चीजों का सेवन जरूर कीजिएगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर घर परिवार में जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। आपका आकर्षण लग्जरियस आइटम्स की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है और इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। इस अवधि में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिनके साथ आपका जो रिश्ता है वो प्यार में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा कन्या राशि वाले जो लोग जो हैं, आपके लिए ट्रैवलिंग प्लान्स बनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन
देयर विल बी सम पर्सन जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। बात करेंगे तुला राशि, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाली है। इस हफ्ते में यात्रा का योग बनता है, साथ ही में नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से एक स्थिरता बनती हुई नजर आती है। आपके रिश्तों में सुधार होगा और खास तौर पर नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, नए नए लोगों से बातचीत करना, ये आपके पूरे दिनचर्या में इस हफ्ते में एडअप हो सकता है। और काफ़ी हद तक वो बातचीत या वो आपका जो सामाजिक दायरा बढ़ रहा है वो आपके व्यापार या कामकाज के दृष्टिकोण से आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि वाले लोगों के लिए भी पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी आँखों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ोन, बहुत ज़्यादा टीवी या बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करना आपकी आँखों को परेशान कर सकता है। छोटे मोटे इन्फेक्शंस इस हफ्ते में नज़र आते हैं, उपाय क्या करेंगे आप लोग, लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा पूरे हफ्ते में और ख़ास तौर पर सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए हफ्ते में छोटे छोटे ग्लिचेज आते हुए नज़र आते हैं। दैट मीन्स आपका जो मानसिक तनाव है उसकी वजह से काम पर ध्यान देना, काम पर फोकस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर कहीं से पैसा आना है तो उसके लिहाज से इस हफ्ते में थोड़ी मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन नौकरी में बदलाव की स्थिति बनती है। अगर एक लंबे समय से आप लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते में अलग अलग जगहों से आपको ऑफर्स मिल सकते हैं और मे बी आप ट्राई कर सकते हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी मिलती हुई नज़र आती है। व्यापार के लिहाज से पार्टनरशिप में काम करना बहुत अच्छा या बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो तभी कीजिएगा जब आपको पूरी जानकारी हो। इस हफ्ते में रिस्क वाला कोई भी काम करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सेहत के लिहाज से एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, इस तरीके का चीज़ें रहने वाली हैं, लेकिन रिश्तों में आप कोशिश ये करें कि कोई ऐसी बात नहीं कह दें अपने पार्टनर से जिससे कि आपके रिश्ते में खटास आ जाए, तो उस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियोज के लिए उपाय क्या करेंगे, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है मंगलवार और शनिवार। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पुरुष चोला चढ़ाते हैं, महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं, तो महिलाएँ जो हैं हनुमान जी को रोट का भोग लगा सकती हैं। बात करेंगे धनुराशि, धनुराशि वाले लोगों के लिए साल के नए हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और लंबे समय से जिन चीज़ों के बारे में आप डाइसी थे ना कि मैं ये करूँ ना करूँ, अब जाकर के आप उनके लिए डिसीजंस ले सकते हैं। धनुराशि वाले जो लोग हैं बहुत सारी नई चीज़ें, नए प्लान्स आपके लिए नज़र आते हैं, ट्रैवलिंग नज़र आता है और ख़ास तौर पर पुराने रिलेशनशिप्स जो कि आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे थे वो कट ऑफ होते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नई चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं और ख़ास तौर पर ये समय फाइनेंसिस के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। धनुराशि वाले लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्किन इश्यूज़ की परेशानी इस हफ्ते में आ सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने डेली रूटीन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। चलिए बात करते हैं मकर राशि, आप लोगों के लिए काम को पूरा करना एक बड़ा टास्क हो सकता है इस हफ्ते में। दैट मीन्स आप प्लान्स बनाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन अगर उसी काम को इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं पे आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको खुद को पहले से ही तैयार करने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से आप काफ़ी सारे एक आइडियाज़ या सजेशंस ले सकते हैं इस हफ्ते में। हालांकि कुछ नए कार्य करने की उम्मीद जो है आप लोगों के लिए नज़र आती है इस हफ्ते के अंदर, काफ़ी सारे नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए इस हफ्ते में फ़ायदेमंद ये समय रहेगा। सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों को साइनस या माइग्रेन की समस्या है आप लोग ज़रूर अपना ध्यान रखिए, अगर मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसे भी समय पर ज़रूर लीजिए और उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। इसके अलावा मकर राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों में सुधार आ रहा है लेकिन धीरे धीरे, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को उपाय ये करना है, सबसे पहले तो इस हफ्ते की शुरुआत में ही आप लोग कोशिश कीजिएगा कंबल का दान ज़रूर करें जो नीडी लोग हैं उन लोगों को। इसके अलावा आप लोग ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार डेली इवनिंग के समय ज़रूर कीजिएगा।
बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए समय एक तरीके से यू नो इनिशियली तो फ्लक्चुएशंस लेकर के आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपने पार्टनर से नहीं लगाएगा, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको एक यू नो सैडनेस वाला इमोशन दे करके जाएंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच, लेकिन हाँ अपने लिए एक सेल्फ लव ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियंस के लिए कामकाज के दृष्टिकोण से ये हफ्ता अच्छा है। नौकरी में बदलाव या नौकरी में प्रमोशंस या नौकरी में आपकी तनख्वाह का बढ़ना, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया नहीं मैं कहूँगी। तो इसलिए काफ़ी बड़े अमाउंट को किसी एक जगह पर लगा देना, वो थोड़ा सा आप उस चीज़ में अलर्टनेस रखिएगा। नए नए लोगों से बातचीत करना ठीक है, लेकिन आप उन पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सरकारी नौकरी में अगर आप हैं या सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, तो अपना अपने डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखना आपकी प्रायोरिटी ज़रूर होनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन उसे और अच्छा बनाना चाहते हैं अगर, तो इस हफ्ते में राधा कृष्ण की पूजा ज़रूर कीजिएगा। राधा कृष्ण का ऐसा चित्र आप अपने घर में लगा सकते हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें कि उनका साथ में चित्र हो, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हों, और कोशिश कीजिएगा भगवान श्री कृष्ण को एक बांसुरी ज़रूर अर्पित करें और राधा जी को आप श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे अब मीन राशि, आखिरी राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। वेल, मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए अगर मैं हफ्ते की बात करूं, सो इनिशियली कहीं ना कहीं पे आपके जो प्लान्स हैं उसके ऊपर आप काम करते हुए नज़र आते हैं, बट धीरे धीरे करके लेजीनेस जो है वो थोड़ा सा आपको इनगल्फ करती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से काम को पूरा करने में, किसी टास्क को पूरा करने में दिक्कतें आ सकती हैं। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए अगर मैं कामकाज के दृष्टिकोण से बात करी जाए, तो काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी में एक जो फ्लक्चुएटिंग टाइम था वो अब खत्म होकर के स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन देयर विल बी अ स्विच ओवर, तो कहीं ना कहीं पे चेंजेस भी नज़र आते हैं। सीनियर्स के साथ तालमेल बना करके रखिएगा, सहकर्मी आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच, या उनके ऊपर भरोसा करके आप ऐसा नहीं है सारा काम उनके ऊपर छोड़ दें, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, इस स्थिति में आपको लास्ट मोमेंट पे लोग डिच कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से बात करी जाए, तो इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप तब्दील हो सकते हैं मैरिज में, आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, हो सकता है आपको खुद को मैरिज के प्रपोजल्स मिल जाए, तो इस तरह के रिलेशनशिप्स बनते हुए नज़र आते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर परिवार में साथ में बैठ करके रिश्तों में सुधार की बातें हो सकती हैं, तो ये कुल मिलाकर के हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करी जाए, तो हेल्थ में धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। करियर अगर जिस भी फील्ड में आप बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कंसर्न पर्सन से राय मशवरा ज़रूर लें, बहुत ज़्यादा एंशियसली डिसीजन लेना अच्छा नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हद तक ये हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव है, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं, तो मीन राशि वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बट आपके लिए पूरा हफ्ता प्रोडक्टिव रहेगा, काफ़ी कुछ अच्छा होगा। उपाय की हम बात कर लें, तो विष्णु चालीसा का पाठ करना या नारायण कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा इन द मॉर्निंग संडे के दिन, और बाकी दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ कीजिएगा इवनिंग के समय। और इसी के साथ एक बार फिर से नए साल की आप सबको बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, दीजिए मुझे इजाज़त।